नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज़ चैनल पर। जैसा कि आप जान सकते हैं कि भारत T20 विश्व कप से बाहर हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला गया। वहीं आपको यह भी बता दें, पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई। भारतीय टीम के बल्लेबाज शुरुआती ओवर में अच्छे से रन नहीं बना सके, जिसके चलते भारतीय टीम सिर्फ 168 रन का रन बना सकी और 169 रन का टारगेट ही दे सकी। आपको बता दें कि वहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड टीम ने यह स्कोर मात्र 16 ओवर में अर्जित कर लिया और इंग्लैंड की तरफ से धुरंधर बल्लेबाज एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने अपनी तूफानी पारी से एक ने 80 तो दूसरे ने 84 रन समथिंग बनाया, जिसके चलते इंग्लैंड ने करारी शिकस्त दी भारतीय टीम को। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय टीम कहां पिछड़ गई। सबसे पहले बात करें तो आपने देखा होगा दोस्तों कि भारतीय टीम के शुरुआती बल्लेबाज शुरुआती टूर्नामेंट से ही फ्लॉप चल रहे थे। अगर आप देखें तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगभग सारे मैच में फ्लॉप रहे। भारत के अगर ऐसे कप्तान रहेंगे तो भारत कैसे विश्व कप जीतेगा। हम बात करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, परंतु केएल राहुल को यह समझना होगा कि वह ओपनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ओपनिंग करने वाला बल्लेबाज हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाता है। परंतु केएल राहुल इतना स्लो खेलते हैं स्टार्टिंग में कि अगर बाद में आउट हो जाए तो पूरा का पूरा दारोमदार आने वाले बाद के बल्लेबाजों को उठाना पड़ता है। यही कारण था कि भारत की शुरुआती जोड़ी पूरी तरह से फ्लॉप रही। हम अगर देखें तो रोहित शर्मा और केएल राहुल फ्लॉप रहे, रोहित शर्मा की कप्तानी बिल्कुल फ्लॉप रही। इसके बाद हम देखें तो भारतीय टीम सिर्फ 2 से 3 बल्लेबाजों के कारण मैच जीतती रही। इसमें सबसे धुरंधर बल्लेबाज और विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने लगभग हर मैच में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। विराट कोहली ने, अगर आपको मालूम हो तो उन्होंने लगभग हर मैच में 50 मारी है। अब आप देखिए कि जिस खिलाड़ी को भारत का कप्तान होना चाहिए वह भारत का कप्तान नहीं है। BCCI को आखिर यह निर्णय लेना पड़ेगा कि विराट कोहली को फिर से कप्तान बनाया जाए, क्योंकि विराट कोहली में वह काबिलियत है जिसको देखकर सामने के गेंदबाज पहले ही डर जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की, जिनका प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ रहा। उन्होंने लगभग हर मैच में अर्धशतक बनाया। हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या ने, उनकी बल्लेबाजी भी काफ़ी हद तक अच्छी रही। अब हम आपको यह बताते हैं कि भारतीय टीम से और चूक कहाँ हुई। बात करते हैं दोस्तों गेंदबाज की। जहां तक हमें मालूम है यजुवेंद्र चहल और हर्षल पटेल भी बाहर बैठे थे, परंतु भारत की कप्तान ने उनको एक भी मैच में ट्राई नहीं किया। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आपके पास 5 या 4 मैच हैं तो आपको यजुवेंद्र चहल या हर्षल पटेल को भी ट्राई करना था, परंतु यह रोहित शर्मा की सबसे बड़ी नाकामी रही। हम यह भी देख सकते हैं कि ऋषभ पंत, जो कि धुरंधर बल्लेबाज हैं, उनको भी सिर्फ आखिरी के 2 मैच खिलाए गए और आखिरी मैच में वह रन आउट हो गए। ऐसे हम कैसे काबिलियत पता करेंगे कि वह अच्छा खेलते हैं, जबकि उनको देखकर बॉलर पहले ही डर जाते हैं। इतना जज्बा है ऋषभ पंत में। हो सकता हो आने वाले समय में ऋषभ पंत को कमान सौंपी जाए भारतीय टीम की T20 वनडे और टेस्ट मैच की। आपको यह भी बता दें कि मैच हारने के बाद भारत के फैंस का
पूरी तरह से मूड खराब हो गया। फैंस सिर्फ यही डिमांड कर रहे हैं कि भारत की ओपनिंग साझेदारी को सबसे पहले हटाना चाहिए। ओपनर बैट्समैन यानी रोहित शर्मा और केएल राहुल, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप साबित रहे। अगर हम देखें तो रोहित शर्मा लगभग 10 मैच खेलते हैं और उसमें से एक मैच में अच्छा खेलते हैं, बाकी मैचेस में फ्लॉप रहते हैं। परंतु यह उनको सोचना पड़ेगा कि एक कप्तान वो होता है जो लगभग हर मैच में कंसिस्टेंटली अच्छा खेले। आपको यह भी बता दें कि टीम सिलेक्शन को लेकर रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी गलतियां करी हैं। जहां रोहित शर्मा को ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए था, जहां रोहित शर्मा को युजवेंद्र चहल को चांस देना चाहिए था, वहीं उन्होंने इनको चांस ना देकर आर अश्विन, दिनेश कार्तिक, केएल राहुल ऐसे खिलाड़ियों को चांस दिया जिन्होंने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। आने वाले समय में हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि भारतीय टीम को अपना ओपनर बल्लेबाज बदलकर शिखर धवन, गिल, पृथ्वी शॉ और भी हमारे भारतीय टीम में जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं उनको मौका देना चाहिए, और जैसे संजू सैमसन। बीसीसीआई से फैंस का यही अनुरोध है कि ओपनिंग बैट्समैन पर काम किया जाए और कप्तानी किसी एक ऐसे इंसान को दी जाए जो कंसिस्टेंटली अच्छे से टीम को आगे बढ़ा सके। इसके बाद बारी आती है हेड कोच की, जो कि राहुल द्रविड़ थे। राहुल द्रविड़ पर भी फैंस ने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ एक टेस्ट के खिलाड़ी हैं और उन्हें T20 के हेड कोच की कमान दी गई। यहाँ पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों उनके हाथ में हेड कोच की कमान थी। इसके बाद हम यह भी बताना चाहते हैं कि पूरे मैच में इंग्लैंड ने जमकर लताड़ा भारतीय गेंदबाज को। भारतीय गेंदबाज ऐसा लग रहे थे कि वह बॉलिंग ही उन्हें नहीं आती, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने बुरी तरीके से हर बॉल पर लगभग 6-4 ऐसे ही खेलते हुए नजर आ रहे थे। इतना विशाल स्कोर उन्होंने सिर्फ 16 ओवर में अर्जित कर लिया, जिसके चलते भारतीय टीम का इस बार फिर से सपना टूट गया। भारतीय टीम 2015 में सेमीफाइनल पहुंची थी, 2019 में सेमीफाइनल पहुंची थी और 2022 में भी सेमीफाइनल में पहुंचकर हार गई। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि फैंस को ज़्यादा नाराज़ नहीं होना चाहिए। भारतीय टीम फिर से कोशिश करेगी और आगे बढ़कर आने वाले विश्व कप में विजेता बनेगी।